खबर भी बिहार से ही है। बिहार में छात्रों का गुस्सा सड़क से लेकर सियासत तक में नजर आ रहा है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में छात्रों का आंदोलन 24 जनवरी से जारी है। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई गई तो कहीं तोड़फोड़ की गई। हालांकि छात्रों को मनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। खुद रेल मंत्री ने छात्र प्रतिनिधियों से बात की, शिकायत सुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन इंतजाम भी किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ है वो छात्र जो सिस्टम से नाराज हैं। ऐसी एक वायरल तस्वीर सामने आई है जिसमें एक छात्र अपनी किताबें फाड़ रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि तस्वीर पटना के मुसल्लहपुर हाट के प्रोफेसर कॉलोनी की है, जिसमें पुष्पेंद्र नाम के छात्र ने गुस्से में आकर अपनी किताबें फाड़ दी। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई है जिसमें बिहार बंद की सियासत में फंस गई है मजबूर मां। ये तस्वीर हाजीपुर की, जिसमें नेता सड़क पर जमे हैं और मां नवजात बच्चे को लेकर सड़कों पर भटकती रही। पुलिस की मदद से गाड़ी का बंदोबस्त हुआ, जिसके बाद मां अपने बच्चे के साथ किसी तरह घर पहुंच पाई। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा धांधली को लेकर परेशान छात्रों को मिला सरकार का आश्वासन। इन सब के बीच किन हालातों में दूर दराज से आए छात्र पटना के संकरी गलियों में देखते हैं सरकारी नौकरी का ख्वाब। देखिए हमारी संवाददाता निधिश्री झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 28 जनवरी को पटना समेत बिहार के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर प्रदर्शन उग्र हो गया। सवाल दे दिया गया, इसे नाम दे दिया गया राजनीतिक। ये कहा गया कि छात्र प्रदर्शन कर तो रहे हैं लेकिन इसमें सियासी रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या 28 जनवरी को अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें छात्र थे? जवाब है नहीं। मैं पटना के हाट मुसल्लापुर, एक इलाका है, उस इलाके में पहुंची हुई हूं और यहां पर जो मुझे तस्वीरें दिख रही हैं, मैं चाहूंगी जरा आप भी इन तस्वीरों को देखिए। ये सभी छात्र हैं। पिछले कुछ दिनों से ये सभी छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरियां हैं? अलग अलग जिले से ये सभी छात्र पटना पढ़ने आए हैं, लेकिन क्या इसके पीछे वजह हैं? ये बताइए, आप अभी टेस्ट सीरीज मैं देख रही हूँ, टेस्ट सीरीज ये किस चीज़ की टेस्ट सीरीज? ये लेवल 1 की टेस्ट सीरीज है, पहले ग्रुप डी का दे रहे हैं। इससे पहले एनटीपीसी में तो जो धांधली हुई है तो जानिए रहे हैं, 20 गुना रिजल्ट देंगे, नहीं दिया। मधेपुरा से पटना की दूरी कितनी है? लगभग 250 किलोमीटर दूरी है। 250 किलोमीटर यहाँ आप क्यों आए? मधेपुरा में आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? देखिए, यहाँ पर जो है ना सुविधा बहुत ज़्यादा है पटना में, मतलब पढ़ाई का, टीचर हुआ, लाइब्रेरी हुआ या लॉज हुआ, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पर हो जाता है पूर्ण रूप से। घर पे मधेपुरा में होता है क्या, जो वहाँ पर उतना व्यवस्था नहीं है इसीलिए आता है। और क्या, हम भी मधेपुरा से हैं, मधेपुरा जिला से हैं। हम भी 2000 रेलवे फर्स्ट बार रेलवे ग्रुप डी का मतलब वैकेंसी निकला था 2017 से रह रहे हैं पटना में, और अभी तक तैयारी चल रहा है। एक बार रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक बार मौका मिला है। अगर पिछली बार देख रहे थे हम लोग का जो जूनियर सीनियर सब था, वो सब साल एक दो साल में वैकेंसी निकलते रहता था। तो वो सब मतलब मेरे मतलब गांव का जितना है सब जो है ना, दो साल तीन साल तक तैयारी करता था कहीं पे और उसका नौकरी हो जाता था। हम लोग अभी पाँच साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं। 2016 में इंटर पास किए हैं, अभी 22 हो रहा है। 22 में मेरा गार्जियन और गाँव का लोग भी बहुत मजाक उड़ाता है, इधर उधर इतना दिन से तुम क्या कर रहा है, उससे पहले एग्जाम्पल देता है, उसको देखो, उस दो साल तैयारी किया और उसको हो गया, तुम पाँच साल में क्या कर, हमको बताइए, हम उसको जवाब क्या देंगे? क्या आपने कभी सोचा कि नेता दलितों के घर जाते हैं, ब्राह्मण के घर जाते हैं, अपने कार्यकर्ता के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन क्या बेरोजगार के किराए के कमरे में कभी गए हैं? मैं आपको राकेश से मिलवाती हूँ, पटना में एक लॉज में ये रहते हैं और मैं आई हूँ यहाँ पर, ये पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि मैंने इनको अभी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई आपके लिए इन दिनों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, आप उस प्रदर्शन में थे? जी नहीं मैम, मैं उस प्रदर्शन में नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था सब चीज़ और बहुत ही बुरा लगा था वो सब। क्या दिक्कतें आती हैं राकेश? आप कहाँ के रहने वाले, अपने बारे में बताएंगे? मैं झारखंड स्टेट से हूँ और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 2017 से पटना में रह रहा हूँ और अभी तक मेरा किसी में एक नंबर से छूट जा रहा है, किसी में मेंस एग्जाम में भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूँ, पीटी में हो मतलब कि हो जाता है। तो इस कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यहाँ पे।
मतलब अब तो कभी कभी मन करता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि बहुत साल हो गया, 5-6 साल बहुत मायने रखता है किसी के लिए भी, और वैकेंसी उतना आती नहीं है जितना पहले आती थी। ABP News आपको रखे आगे।